अगेन वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो पेपर है फर्स्ट ग्रेड जीका का पेपर जो आज सुबह हुआ था उसकी कीज आ चुकी हैं। उसके लगभग सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इस वीडियो में सम्मिलित हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी से वीडियो को कर दीजिए लाइक। आइए देखते हैं पहला सवाल कि निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के लिए, तो उन्होंने इसमें जो पहले पेपर हमने डिस्कस किया उसमें हमने सभी सवाल देखे हैं। अब अपन सिर्फ उत्तर देखते हैं शॉर्ट में, हम चाहते हैं कि आपका थोड़ा समय बचे। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, इसका उत्तर है। इसके अलावा आप देखिए सेकंड सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त काल में, कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया, अमरकोश इसका उत्तर होगा फर्स्ट वाला। इसके बाद आप देखिए कि किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह फथिक का नाम जुड़ा है, इसका जवाब थर्ड वाला होगा राजस्थान केसरी। आप इसमें टिक कर लीजिए, हमारा यहाँ ये टिक करने से रह गया है। इसके बाद देखिए शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव के द्वारा संभाले जाने वाले मामले कौन कौन से थे, तो इसमें आंसर आएगा दान तथा धर्म संबंधी मामले। इसके बाद फिफ्थ में देखिए दो अभिकथन और कारण का एक ही सवाल आपको पूरे इस पेपर में मिलेगा कि भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य और शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। इसके अलावा कारण भी है कि दिल्ली सुल्तानों और मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालय दीन भाषा बनाया। इसका उत्तर जो है वो फोर्थ वाला है। ये हमारे किसी फ्रेंड्स के सजेशंस ने हमने ये सवाल दिया है आपको, तो ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। सिक्स सवाल में अपन देखें तो शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने कालसन मंदिर का निर्माण कराया, तो ये है पुनंग करण के द्वारा। इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1847 यानी आज़ादी के ठीक 100 साल पहले। नालंदा महाविद्यालय के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार करने आपको कि वेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम तथा महाविहार की स्थापना की गई। ये माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया, तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य प्रतीत हो रहे हैं, ए और बी दोनों सही है इसका आंसर। आपके विकल्प जो है वो आगे पीछे हो सकता है, इसलिए 1, 2, 3, 4 पर बिलीव नहीं करें, आप पूरा पढ़ें इसके उत्तर को। मुगलकालीन उद्यानों की सूची यहाँ दी हुई है, इसमें तीन उद्यान जो है वो मैच कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है, वो आप देखिए निषाद बाग श्रीनगर अकबर ने बनाया, ये मैच नहीं कर रहा है। इसका उत्तर यहाँ पर फोर्थ वाला है जिसका उत्तर है सेकंड यानी निषाद बाग श्रीनगर अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया है। अगला सवाल की ओर अपन बढ़ें तो यहाँ पर एक सवाल है कि औरंगजेब के काल के लेखकों और उनकी रचनाओं का कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप यहाँ देखिए मोहम्मद शाह की खुलासा उत तवारीख है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला, इसलिए हमने इसमें टिक नहीं किया। अगर आपकी कोई डिफरेंट राय है, आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे, तो इसमें एक से अधिक हैं, तीन सदस्य हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, सच्चिदानंद सान्याल और रामप्रसाद मिश्रा, अरविंद घोष को छोड़कर सब सही है, तो उत्तर फोर्थ वाला आएगा ए बी डी। इसके बाद आप देखेंगे कि 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलाने के कालक्रम में आपको बताना है, तो कालक्रम में सबसे पहले ये मेरठ में स्टार्ट हुआ, तो ऐसे स्टार्ट करते हुए अपन लिखेंगे तो मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा, तो ए बी सी डी इसका क्रम होगा। प्राचीन भारत का कालखंड जिसके मंडप कूपों घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो मौर्य काल इसका आंसर है। ये जो की है वो काफ़ी दो तीन लोगों से, इतिहासकारों से मिलकर बनाई हुई है, कुछ में इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको नजर आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता, इसमें कुछ ज़्यादा नए सही कुछ न कुछ इसमें डिफेक्ट मिल सकते हैं, इसलिए आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सकारात्मक जो है सुझावों को हमें देंगे। अब आप यहाँ देखिए कुछ कोड भाषाएं जीके के बाद अपन अगर रुक करें रीजनिंग का, तो यहाँ एक लिखा है कि किसी कोड भाषा में एक फ्रेम के लिए 43 लिखा, हर्डल के लिए 68, तो फिगमेंट के लिए क्या आएगा, प्रत्येक का क्रम जोड़ते हुए चलेंगे तो यहाँ पर 74 इनका सम आ रहा है, ये कॉलोनी वाला है, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे अपन बाद में। निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या को आइडेंटिफाई करना है आपको, तो यहाँ पर जो गलत संख्या है वो 140 है जो इसमें मैच नहीं हो रही है। पाई चार्ट का सवाल पिछले पेपर की तुलना में ये पेपर काफ़ी इजी लग रहा है, तो पाई चार्ट में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया, तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका आ रहा है 40, क्योंकि 20 अपॉन दोनों का आप देखिए 100 और 120 में डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 20 डिग्री का, और वो 360, तो 20 अपॉन 360 है, उसको आप 720 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 40 आएगा इसका आंसर। निम्न में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है, तो आंसर आएगा निराकार।
इसके बाद इनमें से किस विकल्प में एडजर्न शब्द का समानार्थी शब्द है वो पाया गया? तो यहाँ पर आएगा एडजर्न करना, यानी हाउस को एडजर्न करने का मतलब स्थगित करना। अपन लोकसभा की कार्यवाही के दौरान ये वर्ड बार बार सुनते हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर पृष्ठभूमि ये शब्द बताया जा रहा है, हिंदी का भी आप थोड़ा कंफर्म जरूर कर लें अपनी ओर से। इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? तो 1+1 को एक एक लिखा है। और इसके बाद देखिए सुकृति का विलोम शब्द है दुष्कृति। इसके बाद आप इंग्लिश की ओर अगर अपन रुक करें तो रेयरली का एंटोनिम यानी विलोम शब्द पूछा है वो फ्रीक्वेंटली होगा यानी बार बार। रेयरली का मतलब कभी कभार या नहीं के बराबर। द टेलर वॉज ऑर्डर्ड टू ब्लैंक द शर्ट, इसका मतलब है एल्टर यानी बदलाव करना कुछ इसमें। तो यहाँ पर अल्टार और एल्टर कई मिलते जुलते शब्द लिए हैं इसमें, आप ध्यान रखिए LTER है। मस्ट यू गो सो सून, आई सेड, आई सेड है लेकिन यहाँ एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मार्क है, तो आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सून। फिर देखिए आप यहाँ देखेंगे करेक्ट में यहाँ लिखा है कि आई हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो यहाँ पर देखिए असाइन टास्क है वो, तो उसमें आप यहाँ लिखेंगे शॉ, SAW शॉ, मैंने उसे देखा असाइनमेंट के लिए मेहनत करते हुए। चूज द करेक्ट ऑप्शन में लिखा है टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, कितना टाइम? तो टाइम जो वर्ड है वो आपका नॉन काउंटेबल है, उसके लिए वर्ड यहाँ यूज हो रहा है मच। इसके बाद देखिए आप एक जनसंख्या वाला सवाल अपन देख लेते हैं। जनसंख्या 2000 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11 बताई जा रही है। कहीं भी कोई डाउटफुल चीज़ है तो आप हमें ज़रूर बताएं और कृपया अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दें। 3 सितंबर 2018 को चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित ये खेलों से संबंधित चीज़ें अपन बाद में लेते हैं। भारत में 2022 तक अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजेगा, इसका नाम गगनयान रखा गया है। 27 अगस्त 2018 को स्पाइस जेट ने ये कहाँ किया, 1 मिनट, इसका भी अभी थोड़ा कंफर्म करना बाकी है। अपन एक बार बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए आप कि 7 सूत्रीय कार्यक्रम जो महिला सशक्तिकरण का है उसमें लगभग सभी फिलहाल सही होने की संभावना है। थर्ड इसका आंसर है क्योंकि फोर्थ पे डाउट है, लेकिन बिना फोर्थ के यहाँ पर केवल पहला और दूसरा विकल्प आ रहा है वो हो नहीं सकता, इसलिए थर्ड आंसर ABCD लेंगे अपन। विश्व के सबसे पहले थर्मल प्लांट का भी एक बार बाद में देखते हैं। भारतीय रेलवे के लिए 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के रेलवे स्टेशन में ए श्रेणी के दो थे, उनमें से एक है मारवाड़, दूसरा विकल्प जो था वो है नहीं इसमें मौजूद, इसलिए मारवाड़ आंसर होगा इसका। वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने के पोषण वाला, ये आप अगर आपके पास है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैंने उत्तर पता लगाया है लेकिन थोड़ा कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं दे रहे हैं। संसद जो संघ की मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो इसका उत्तर लोकसभा के प्रति होगा, 46 में फर्स्ट आंसर होगा। यहाँ पर टिक करने से ये रह गया है लेकिन आप टिक कर लेना। और दी हुई वस्तुओं में किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², तो 1/2 और एम और वी स्क्वायर का मान रखेंगे, एम की जगह अगर 2 रखते हैं और वी की जगह 3 वी रखते हैं तो ये 36 mv² आ जाता है, ये इसमें मैक्सिमम होने वाला है, इसलिए सेकंड आंसर इसका सही माना जाएगा। 48 में लिखा है भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है वो संसदीय प्रणाली से संबंधित है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली, इसमें न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट से लेकर ट्रांसफर तक कई चीज़ें इंक्लूड होती है। ये प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ 1993 में हो गई थी, ये प्रक्रिया फिलहाल भी कुछ समय से विवादित चल रही है। आप देखिए 50 में है वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जाती है, इसमें क्या शामिल नहीं है? तो आपातकाल के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में अब आपातकाल कर सकते हैं, आंतरिक अशांति इसका आधार नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। जब एक निश्चित द्रव्यमान के पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र अवस्था में गिर रहा है, जब वो ऊंचाई पर होता है तो आपको पता है स्थितिज ऊर्जा जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है MgH होता है, तो जितनी ऊंचाई अधिक होगी स्थितिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, तो नीचे आने पर स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ती है उसकी। 52वें में आप देखिए खाद्य श्रृंखला में जब एक जीव से दूसरे जीव में जो ट्रांसफर होती है औसत मात्रा उपभोक्ता की, तो वो केवल 10% आगे ट्रांसफर हो पाती है। मानव कोशिका में गुणसूत्र 46 गुणसूत्र का ये सिंपल सा सवाल है। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या देखिए, तो 52 ग्राम हीलियम है कि हीलियम के एक एटम का मास होता है 4, 52 में 4 का भाग देने पर उत्तर इसका 13 आएगा। संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। 25 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, टोटल मिला के 35 उत्तर होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा
के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायित्व तो पूरा नहीं किया जाता है? तो शैक्षिक कैलेंडर का निर्माण अध्यापक नहीं करते हैं। इसके बाद आप देखिए ये मैचिंग वाला है, इसमें थोड़ा इसको इस बाद में लेते हैं, पहले 58 ले लें कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो बीकानेर की सबसे छोटी है। राजस्थान में फसल मावठ से कौन सी, सीधी सीधी मावठ जो है इस टाइम जो है गेहूं सरसों और चना सरम पर होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा लाभ होता है, कपास को नहीं होता है उतना। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पंजाब में नहीं है, पांच ही स्कूल है उनमें से, पंजाब में नहीं है फिलहाल। भारत स्काउट गाइड्स का कार्यालय का ये थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा कब तक पूरी होनी थी? तो ये 2010 इसका उत्तर है। ये भी डाउटफुल लग रहा है थोड़ा सा, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन करेक्ट नहीं हो, फिर भी इसको कंफर्म करके आपको दोबारा बता दिया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित से किस सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह है वो सबसे अधिक उपयुक्त है? तो समानता, अति संरचना, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व है। 64वां आप देखेंगे कि राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या का अंतर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो ये जो मारवाड़ के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में जनसंख्या घनत्व कम है। पर्यटकों के लिए ये सम्मिलित आप देखिए, इसमें अगर आपको एक भी डंक से आता है जैसे जूनागढ़ बीकानेर में, तो इसका मतलब डी में सेकंड आएगा। और लोहागढ़ किला और सोने जी की नसिया अजमेर वाला ये मैच है, इसमें सेकंड वाला मैच हो रहा है, ए में थर्ड आ रहा है और बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ तो और डी में सेकंड है, तो इसको आप मैच कर लें। आपके उत्तर आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसलिए मैच आप देख कर करें। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश के लिए यहाँ पर आप सेकंड वाला ऑप्शन करेंगे, सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, यानी आजकल एडमिशन हर स्कूल में होने लग गए हैं। निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। ई गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस भी सभी पर लागू होती है, नागरिक, व्यापार, लाभार्थी या सरकार समूह जो भी है। इसके बाद आप देखिए कोपन के वर्गीकरण के अनुसार AW वाला बूंदी और CTE के लिए जो है सम्मिलित नहीं है, वो है सेवारत अध्यापक शिक्षण, इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद अगर आप देखें कुछ से यहाँ पर एक दिया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना 2004 और विद्यालय मानचित्र के लिए एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना, इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके बाद आप गणित के कुछ सवाल देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर अपन कैलकुलेशन के बाद इंक्लूड करेंगे। फिलहाल अपन यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें 99% तक शुद्धि की हम दावा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मानवीय त्रुटि हो तो कृपया आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।